नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद से गैर हाजिर रहने वाले केंद्रीय मंत्रियों को कड़ी फटकार लगाई गई है और उन्होंने ये कहा है कि जो गैर हाजिर रहते हैं उनके नाम मुझे बताओ, उन्हें सुधार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन में नहीं बैठने वाले मंत्रियों के नाम हर शाम उन्हें बताए जाएं। और प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से ये भी कहा कि अगर लोग खुद नहीं सुधरेंगे तो उन्हें सुधार देंगे। पीएम मोदी की नाराजगी भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान देखी गई और ये दूसरा मौका था जब पीएम मोदी ने संसद में मंत्रियों के अनुपस्थित रहने की वजह से अपनी नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर है उससे ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन में मौजूद रहने की नसीहत सिर्फ सांसदों पर ही नहीं है बल्कि मंत्रियों पर ही उतनी लागू होती है और मंत्रियों को अपनी ड्यूटी का पालन कड़ाई से करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पालन करें और अब कई बार ऐसा हो चुका है कि कई मौकों पर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री लोकसभा और राज्यसभा के दौरान मौजूद नहीं थे जबकि उन्हें वहाँ मौजूद रहना चाहिए। विपक्ष द्वारा भी इसको लेकर कई बार मुद्दा उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि सरकार की एजेंडा पारित करवाने के लिए संसद को आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि संसद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी ने यह जाहिर कर दिया है कि अब जो भी मंत्री संसद में गैर हाजिर रहेंगे उन्हें प्रधानमंत्री के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो नहीं सुधरेगा उसे सुधार देंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।